एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिन हो गए मैंने कोई लॉन्ग वीडियो नहीं डाला था, तो मुझे कुछ लोग कह भी रहे थे कि लॉन्ग कंटेंट शूट करो, तो स्पेशली पूजा जी आपने मुझे बोला था। तो ठीक है, देखिए अब आपको वीडियो देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो ये मैंने मेकअप ट्यूटोरियल शूट किया था, बहुत ही ब्यूटीफुल सा मेकअप है, आप लोग को बहुत पसंद आया था। तो मैंने जब इसकी रील डाली थी तो देखिए स्टेप बाय स्टेप करके मैं बता रही हूँ, पूरी वीडियो आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी कैसे कैसे मैंने मेकअप किया है। तो स्किन केयर से स्टार्ट किया था, अब मैं लगा रही हूँ प्राइमर कलर बार का, तो CTM करके ये प्राइमर लगा रही हूँ। और इसको लगाने के बाद 5 मिनट का रेस्ट देंगे और छोड़ देंगे ऐसे ही। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का ये कंसीलर पैलेट। तो इसमें 4 शेड्स आते हैं। मेरी स्किन पर ये जो येलो टोन में शेड है ये सूट हो जाता है, अगर थोड़े से डार्क सर्कल्स हैं तो आप ऑरेंज यूज़ कर सकते हो। तो इसको लगाने के बाद मैं डायरेक्टली फाउंडेशन लगाऊंगी। इस ऑरेंज कलर आप यूज़ करते तो पिक करता है, तो बट अगर आप डायरेक्ट फाउंडेशन लगा लेते हो इस येलो करेक्टर के बाद तो वो नहीं दिखाई देता और अच्छा बेस बन जाता है आपका। इसलिए मैंने इसको लगाया अपने फेस पर जहाँ जहाँ मुझे थोड़ी बहुत डार्क स्पॉट्स थे आंखों के नीचे, उसे कवर करके। और मैं ये पैक के ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। इसे मैंने पहले डैम कर लिया था ब्यूटी ब्लेंडर को, तो इतना अच्छे से भी ब्लेंड नहीं करना है कि मतलब गायब ही हो जाए, हमने करेक्टर लगाया कहाँ था फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करेंगे। उसके बाद फॉरएवर 52 की ही मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी। दो कलर्स में फाउंडेशन है मेरे पास, नंबर 14 और नंबर 11। तो उसको मिक्स करके ये देखिए मैंने अपना शेड बना लिया है, और थोड़ा सा लाइट ही रखूँगी मैं अपनी स्किन से। तो इस तरीके से डॉट डॉट करके मैंने लगा लिया है पूरे फाउंडेशन को। गाइज़ आप मेरे चैनल पर और भी मेकअप ट्यूटोरियल देख सकते हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। आईज़ मेकअप लुक भी बहुत अच्छे अच्छे क्रिएट करती रहती हूँ मैं, तो ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। तो ये देखिए फाउंडेशन मैंने लगा लिया है, और ये फेसेस कनाडा का ब्यूटी ब्लेंडर है जिसे मैंने डैम कर लिया था पहले, और इसमें से पानी नहीं टपक रहा है। आपको टॉवल ड्राई कर लेना है जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करते हो उससे पहले। तो ये देखिए मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, और ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। नोज़ पर भी ब्लेंड करेंगे, फोरहेड पर ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग में आपको 5-10 मिनट आराम से लग जाते हैं, और पूरी मेकअप की वीडियो बनाने में ना बहुत टाइम लग जाता है गाइस, फिर एडिटिंग होती है। तो आप लोग अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे चैनल को तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है वीडियो। तो देखिएगा ये मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और इसके बाद जो मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ ना, वो है स्विस ब्यूटी का कंसीलर सैंड सेबल आई थिंक इसका शेड। तो अपने हाइलाइटेड एरियाज़ पे लगा के जहाँ जहाँ हमें हाइलाइटिंग दिखानी होती है वहाँ पर हम बीच में यूज़ करते हैं कंसीलर को। और देखिए इस तरीके से उसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही मैं ब्लेंड कर लूँगी। आप कुछ कुछ पार्ट ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हो कलर करेक्टर को ब्लेंड करने के लिए, कुछ फाउंडेशन को और कुछ कंसीलर को, ठीक है। तो ये सब डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ही होता है ये काम। और जब आप पाउडर सेटिंग करना चाहते हो ब्यूटी ब्लेंडर की ही हेल्प से, तो वो ड्राई होना चाहिए, फिर वो डैम ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं किया जाता, अदरवाइज पैची हो जाता है। और ये मैंने अच्छे से कर लिया है ब्लेंड अपने कंसीलर को। कुछ लोग इसे हाइलाइटर कंसीलर भी बोलते हैं, तो ये हाइलाइटर कंसीलर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए अब मैं अपने आई बेस लगा रही हूँ इसी कंसीलर को, एज अ आई बेस यूज़ कर रही हूँ। और फिर इसके बाद जल्दी से कर लेंगे अपने पाउडर को सेट कर लेंगे पाउडर से, क्योंकि क्रीज पड़ने के चांसेस रहते हैं और वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है गाइस। तो जितना जल्दी हो सके आप उसे पाउडर से सेट कर देना, पर देख लेना पहले कि मेक श्योर आपकी जो क्रीज ना आ जाएं कंसीलर की, जो भी आपने बेस लगाया उसे पहले डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करके उसके बाद पाउडर सेटिंग करनी है। ये पैक का पिज़्ज़ा पफ है, मुझे थोड़ा सा ये ना बड़े साइज़ में लगता है, एक्चुअली इसका मीडियम साइज़ मैंने मंगवाया था। अगर आप लेना चाहो ना ये, तो आप स्मॉल साइज़ में लेना, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा आपके लगाने में। तो पूरे फेस पर ना इनसाइड कॉस्मेटिक्स का बनाना पाउडर लिया है मैंने, उसे सेट कर लूँगी। और ज़्यादा येलो येलो नहीं है ये, इसका शेड मुझे सही लगता है तो मैं यही यूज़ करती हूँ। उसके बाद अपने बेस को ना लॉक करेंगे, सेट करेंगे, क्योंकि गर्मियां हैं तो बिना सेटिंग स्प्रे के बिल्कुल मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए फेसेस कनाडा का सेटिंग स्प्रे मैंने यूज़ किया है,
और इसके बाद हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले आपका जो बेस है वो ड्राई हो जाना चाहिए अच्छे से, और फेस को अच्छे से सुखा लेंगे, ड्राई कर लेंगे। आप एक फ़ैन भी यूज़ कर सकते हो, जो हैंड फ़ैन होता है यहाँ पर, तो मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने ऐसे ही ड्राई कर लिया। उसके बाद मैं अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ, और आईब्रो को फिल करने के लिए मैंने यूज़ किया है आई पेंसिल मिस क्लेयर की। पहले मैं बहुत जेल लाइनर यूज़ करती थी, पर आजकल मेरी वैनिटी में मैंने रखा ही नहीं हुआ है, तो मेरा हैंड जाता ही नहीं उसके ऊपर, और मैं बहुत जल्दी अपने वैनिटी में से दोबारा रखने वाली हूँ। तो ये मैंने लिया है निकाके की आई शेडो पैलेट, और इसमें से मैंने एक ब्राइट येलो सा कलर लिया है। और ये जो आई मेकअप है ना, ये मैं बिना कंसीलर के, बिना कट क्रीज के कर रही हूँ गाइस, तो देखिएगा बहुत ही ब्यूटीफुल लुक टर्न आउट होता है इसका जो आई मेकअप है। तो मैंने ये येलो कलर लगा लिया अपने इनर कॉर्नर पर, और मिडल में मैं लगाऊंगी ऑरेंज कलर, इसी में एक ऑरेंज कलर है। और मैं ब्रशेस भी साथ साथ चेंज कर रही हूँ गाइस, देखिए एक ही ब्रश से वर्क नहीं करना है, वरना आपका जो ब्लेंडिंग है वो आपस में मिक्स हो जाएगी कलर्स की, और आपके कलर्स अलग अलग शो ही नहीं होंगे। तो लाइट टू डार्क की तरफ जाना है, येलो से ऑरेंज की तरफ जाएंगे, ऑरेंज से पर्पल की तरफ जाएंगे। तो मैंने ऑरेंज से पर्पल कलर लिया है, और अगर बैकग्राउंड में कोई वॉइस आ रही है गाइस, तो सो सॉरी, एक्चुअली पीछे थोड़ा बहुत शोर हो सकता है, आपको डिस्टरबेंस होगी, इसके लिए सॉरी। तो ये मैंने एक आउटर कॉर्नर पर एक पर्पल शेड लगाकर उसको ब्लेंड किया, और अगर आपको लगता है ना बाहर आ गया है, आपका निकल गया है कलर, तो आप उसे हल्के हल्के हाथों से एक हैंकी लेकर और उसे साफ़ कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट, फिर दोबारा से मैंने ऑरेंज कलर को ब्लेंड किया है, और ब्लेंडिंग ना आप कितनी बार भी कर सकते हो, 7 से 8 बार, जब भी आपको, जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना हो कि आपके कलर्स आपस में ब्लेंड हैं, आप मेकअप में बार बार ब्लेंडिंग कर सकते हो। ऐसा कुछ रूल नहीं है कि एक बार कर लिया तो दूसरी बार नहीं करना है। तो उसके बाद मैंने काजल यूज़ किया है, काजल मैंने ममार्थ का यूज़ किया, और उसके बाद अपर वाटर लाइन को भी टाइट लाइन कर लेंगे। और उसके बाद मैंने जो लोअर लैश लाइन पर कलर यूज़ किया है ना, वो भी एक टर्कोइश कलर है गाइज, उसी पैलेट में से, और इसके लिए भी मैंने ब्रश चेंज किया, आप देख सकते हो। तो अच्छे से दोनों आँखों में लगा लेंगे और ब्लेंडिंग अच्छे से करेंगे। इसके बाद मैंने ग्लिटरी कलर यूज़ किया है, और वो मैंने यूज़ किया है ग्लिटर्स, एक्चुअली प्रेस्ड ग्लिटर्स है टर्क्वाइज कलर का। कलर्स क्वीन की मेरे पास एक ग्लिटर पैलेट है, बहुत अच्छे अच्छे शेड्स हैं उसके अंदर। आप कहेंगे तो मैं उसका रिव्यू ज़रूर करूँगी, अलग से मुझे कॉमेंट में लिखिएगा। तो ये मैंने कलर यूज़ किया और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, देखिए। और मैं कुछ ब्राइट करना चाह रही थी, बाकी का डस्ट ऑफ कर दिया मैंने पाउडर ब्रश की हेल्प से ग्लिटर को। और तो गाइज, जैसा कि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन रील में मेंशन किया था कि प्राइड मंथ ट्रांजिशन वीडियो है, तो प्राइड मंथ चल रहा है इसलिए मैंने इस आई मेकअप लुक को क्रिएट किया है, और ये कुछ कलरफुल सा मैं करना चाह रही थी, और वाकई में बहुत ही अच्छा आई मेकअप लुक टर्न आउट हुआ था। तो इसके बाद मैं मेबलिन का लाइनर लगा रही हूँ, ज़्यादा विंग ड्रॉ नहीं कर रही हूँ मैं बाहर की साइड, बस हल्का हल्का सा पतला सा थिन लाइनर लगाकर। और ये मेबलिन का ही मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, ये वाटरप्रूफ मस्कारा है गाइस, समर्स में आपको वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ करना चाहिए। और इस तरीके से मैं मस्कारा यूज़ करके उसके बाद मैं कैलालिस की लैशेज़ लगाऊंगी, और कैलालिस का ही मेरे पास ग्लू है तो मैं वही यूज़ करती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं गर्ल्स की, आप कौन सा ग्लू यूज़ करती हो, और मैं कैलालिस का ही ग्लू यूज़ करती हूँ, और एक ही बार में आपकी जो लैशेज़ है ना वो स्टिक हो जाती है, बहुत ही अच्छा है। आप अमेज़ॉन पर ट्राई कर सकते हो, उसको देख सकते हो, आप वहाँ से ले सकते हो। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ नेक्स्ट कॉन्टोरिंग स्टिक। एक्चुअली स्टेप पहले का है, जब आप पाउडर सेटिंग कर देते हो ना उसके बाद आपको क्रीम प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना चाहिए, बट कोई बात नहीं, मेरा बेस अच्छे से सेट हो चुका है। तो मेरा बेस जो है वो गाइज, मेरा बेस है ना जो, वो अभी केक ही नहीं होगा, डोंट वरी, आप देखिएगा मैं जब ब्लेंडिंग करूँगी ना तो बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएगा। इसके बाद बट मैं पाउडर सेटिंग भी ज़रूर करूँगी। तो मेकअप में कोई रूल भी नहीं होता है एज सच, बट ओवरऑल जो आपका फाइनल लुक है ना वो बहुत अच्छा आना चाहिए, वो बेकार नहीं होना चाहिए। बाकी स्टेप्स आपने कब कहाँ कैसे यूज़ किया है वो आपके ऊपर है, आप जब प्रो हो जाते हो तो उसके बाद देखिएगा। एक बार और हम सेटिंग स्प्रे यूज़ करेंगे एट द एंड, जब मैं हाइलाइटर लगाऊंगी इससे पहले। तो ये मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, नोज़ कॉन्टोरिंग, नोज़ को अच्छे से शेप दे देंगे। इसके बाद आई मैजिक का ही इसके ऊपर मैं कॉन्टोरिंग पाउडर यूज़ करूँगी, और आई मैजिक का ही मैं ब्लश यूज़ करूँगी, और आई मैजिक का ही मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगी। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं मुझसे पूछती है कि आप कौन सा हाइलाइटर यूज़ करती हो, तो मैं आई मैजिक का पर्ल शेड में हाइलाइटर यूज़ करती हूँ। मेरे पास जो मेकअप किट है, देखिएगा मैं यहाँ दिखाऊँगी भी, तो मैं उसमें से ही यूज़ करती हूँ, देखिए ये तीनों चीज़ें।
तो ये देखिए, अब मैं अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ। एक फ्लैट सा ब्रश है, ये फ्लफी फ्लैट नहीं कह सकते इसको, बट आगे से ये फ्लैट है, इसकी जो टिप है तो ये आगे से फ्लैट और फ्लफी ब्रश है। तो मैं अपने ब्रोबोन एरिया को भी हाईलाइट कर रही हूँ। और तो गाइस, यहाँ पर हमारा आई मेकअप जो है ना वो फाइनल हो जाएगा। अब तो देखिए, इसमें और कुछ नहीं बचा है, सच हो गया है कंप्लीट। तो उसके बाद मैं लगा रही हूँ ब्लश। तो ब्लश लगाने के बाद, सॉरी, अब ब्लश जो है ना वो आपको सी शेप में लगाना होता है। देखिए इस तरीके से ऊपर अपने फोरहेड के साइड्स में भी थोड़ा थोड़ा सा लेके जाते हैं, तो इस शेप में बहुत अच्छा लगता है ब्लश। और इसी शेप में लगाया जाता है, और नोज़ पर भी मैं लगा लेती हूँ, थोड़ा सा अपने चिन एरिया पर। और ये मैं हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ। जो ब्लश है ना गाइस, वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लगाया है आज, आपको लग भी रहा होगा, क्योंकि मेरा मन था। मुझे समटाइम्स इस तरीके का हैवी मेकअप बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए आज मैं हैवी करना चाह रही थी। तो देखिए, अब मैं लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर का, और मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ, आपने देखा होगा। बट मैं जल्दी ही न्यू परचेज करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी के। बट मुझे अच्छा यही कलर लगता है, एक ब्राउन शेड होना चाहिए आपके पास, मस्ट हैव है। उसके बाद मुझे और किसी भी लिप लाइनर की नीड ही नहीं लगती। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ प्लूम की लिपस्टिक्स, जो कि अब प्रोश ब्यूटी हो चुका है इसका नेम। तो दो लिपस्टिक्स मिक्स करके यूज़ की हैं, ये मेरा फाइनल लुक है गाइस। होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तू जो मेरा धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौल हौल से तेरा हुआ, रफ्तार रफ्तार।